रिया रिया हाय हमें लगा तो घर चली गई होगी। हमसे पहले निकली थी ना? मैं तुम लोगों से पहले निकली थी बट जब तक हम ब्रिज पहुंचे तब तक वो ब्रिज कोलैप्स हो गया था। सो वहाँ पे कोई था जिसने बोला कि यहाँ पे एक रिसॉर्ट है तो हम यहाँ आ गए। एंड आई एम ग्लैड तुम दोनों यहाँ हो, मैं वैसे भी बोर हो रही थी। पर रिया सारा कॉलेज तेरे और प्राची के बारे में बातें कर रहा है। लिसन मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। शी हैज बीन जस्ट अ बैड लक फॉर मी। तो ना मैं उसका नाम सुनना चाहती हूँ ना लेना चाहती हूँ। कम ऑन रिया, क्या नाम नहीं सुनना है? Don't be a loser, man. Yeah, just give it back to that Prachi. मैंने कहा ना मुझे उसका कोई नाम नहीं सुनना। I just don't want to do this give and take. ये वो कर गई है रिया। अब अगर रिया ने इसे जवाब नहीं दिया ना तो ये हमें भी नहीं छोड़ेगी। या बिकॉज़ शी नोज कि रिया के हर प्लान में हम भी रिया के साथ थे। मैंने तुम पे चिल्लाया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। माफ करोगी ना मुझे? I'm sorry, Dad. I know you're sorry, but I'm sorry as well, na. I'm sorry, मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें कुछ समझाया नहीं, बस सीधे डांट दिया। ए, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। कम से कम ये तो पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा किया क्यों? Dad, मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में गैप बहुत आ रहा है और हम उससे ज्यादा उस प्राची से प्यार करते हो और मैंने सिर्फ आपके अटेंशन लेने के लिए सब किया। And I really don't like प्राची। जब से वो आए आप हमसे उसकी बातें करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उससे प्यार करते हो और आप मुझे भूल गए। नहीं सीरा, तुम मेरी जान हो, यूर माई लाइफ। तुम जानती हो ना तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन। प्राची इज अ स्वीट गर्ल, तुम्हारी बहन जैसी है वो। तो नहीं है ना। I know, but listen to me now. If you want my undivided attention, na, you should have no hard feelings for Prachi. तुम जाओ उससे बात करो, talk to her, say sorry to her. मैं कैब में भी गई थी उसके टेंट पे, but जब मैं वहाँ पहुँची तो उसकी मॉम थी और मैंने कहा उनकी उसकी मॉम से सॉरी बोल दिया। मुझे पता चला है कि तुम्हारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स इसी फार्म हाउस में हैं। I'm sure Prachi भी यही होंगी। If you want, मैं जाकर पता लगा सकता हूँ वो कौन से कमरे में। नहीं, मैं वो पता लगा दूँगी। Hey, stop crying. It's okay. Talk to her. Dad. It's okay. Really mean a lot. मुझे लगा हम उससे बात नहीं करोगे, but मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर हमने उससे बात क्यों की? कहना मैं कुछ भूल गया था। बातचीत करने से या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती या पता चल जाता कि प्रॉब्लम थी नहीं। जैसे ही याद आया तो बात कर ली। कम ऑन हरिया, गो। हरिया क्या हुआ? वो एक्चुअली मैंने प्राची को जाते हुए देखा तो मुझे लगा आप भी यही हो, मैं आपसे मिलने आ गई। तो आओ अंदर, क्या हुआ? मैं सॉरी बोलने आई थी। सॉरी तो तुम बोल चुकी हो ना? नहीं, डैड ने बोला है कि मुझे प्राची से भी माफी मांगनी चाहिए। जितनी जरूरी आपकी माफी है उतनी ही जरूरी प्राची की भी। सो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। माय डैड बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन अंदर आओ, बाहर से माफी मांगूंगी। और तुम माफी मांगोगी ना तो ये तुम दोनों के बीच का झगड़ा है ना वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्राची, प्रिया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इधर आ। प्रिया, कहना ना तुम्हें कुछ प्राची से।
नहीं, मैं बस आपसे मिलने आई थी। डैड को अच्छा लगेगा। She's right. मैं यहाँ तुमसे बात करने आई थी। तुम मुझसे बात करने नहीं आई थी, मेरी माँ से बात करने आई थी। अब उन्होंने कहा तो तुम मुझसे बात कर रही। राची, अच्छा ठीक, क्या बात करनी? I wanted to say I'm sorry. जो भी हम दोनों के बीच हुआ, I mean, जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, उसके लिए I'm really sorry. I hope तुम मुझे माफ कर दो। I think I should go. I'm really sorry, Prachi. क्या था ये? आपके सामने अच्छाई का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। और तू क्या कर रही थी? वो सॉरी बोलने आई थी ना, मैंने सॉरी सुना, हो गया। वो सॉरी बोल रही थी, तू उसे एटीट्यूड दे रही थी। हाँ, जब कोई सॉरी बोलता है ना तो उसे फील करता है, मन से बोलता है। कि अपने डैड के कहने पे आई थी। उसके डैड ने बताया तुझे? मैं जानती हूँ उसे। सुन ना, तू नहीं जानती है, वो उधर कैंप में तुझसे सॉरी कहने आई थी, तू मिली नहीं। मैं दिख गई तो उसने मुझसे कह दिया। यहाँ पे आके उसे पता चला तू यहाँ है, सबसे पहले आके उसने तुझसे माफी मांगी है। ऐसे मत दिख, मैं जानती हूँ कि उससे उसने बहुत गलत किया, लेकिन तू तो समझदार है ना, तुझे माफ कर देना। भूख लग ए प्राची, तू बात काट रही है मेरी। माँ भूख लग रही है, उसमें बात कहाँ काट रही हो। तू माफ करेगी उसे? कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई। मैं देख कर आती हूँ या खाने के लिए क्या। सबसे अच्छे बच्चे आप अच्छे हो ना, इसलिए आपको सब लोग अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ ना, लेकिन उस रिया को उसके दिल में क्या चलता है। उसके पापा अच्छे हैं बस, पता नहीं कैसे झेलते होंगे इस रिया को। What are you looking for? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? No, I'm fine. Thank you. Actually, excuse me. Excuse me. मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। But let me tell you one thing. कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुझ जैसी ना कोई थी, ना है, ना होगी। आई होप आप समझ गई। सुनिए, आप कहाँ हैं? प्रज्ञा,
मुझे लगा आप हैं यहाँ, लेकिन शायद वो सिर्फ आपका एहसास था। तुम्हारी याद मुझे तुमसे छोड़े रखती है, इसलिए ये आंखें हर जगह तुम्हें ही देखती हैं, पर वो तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी याद थी। लगा था आपको भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं, आपकी यादें अब भी मेरे दिल में हैं। कुछ नहीं, तो चलो ना, डिनर पे शाहना वेट करिए, बहुत भूख लगी उसे। इतनी बारिश में क्यों गया था बाहर तू? अरे बच्चा हो जो सुना रहे। बच्चा ही है तू, वो बच्चे लोग इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, वैसे बीमार पड़ गया तू। बीमार नहीं पड़ने वाला। I'm still strong. Dad, आपकी तबीयत लिटरली बहुत खराब हो रही है। I'll be fine, don't worry. Chief. Are you okay? Okay. बरखुरदार, कहाँ मटर गश्ती करने गए थे? मैं एक्चुअली, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो। मुझे पता होता मैं आपके पास आ जाता। मैं तो आर्यन के साथ गया था कैंप साइट पे हैकिंग करने। अच्छा, आर्यन के साथ थे? मैं तो आर्यन से मिला था, पता नहीं अब जुड़वा था क्या उसका? एग्जैक्टली, आर्यन के साथ दिखने वाला एक लड़का है हमारे कॉलेज में, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन क्यूरिया बेटा कोई और बहाना ढूंढ लेते तो। अरे छोड़ना यार विक्रम, क्या होगा कहीं कर रहे थे ना जो कर रहे हैं। सॉरी पर तू रहने दे यार, मेरे भाई तेरी वजह से बिगड़ा है वो। अरे कोई बिगड़ेगा नहीं है, रिलैक्स। मैंने ना इसे जीना सिखाया, तेरे साथ रहता तो तेरी तरह बोरिंग बन जाता। उसे बोरिंग नहीं कहते, डिसिप्लिन लाइफ कहते। अरे जीने भी इसे जैसे जी रहा है, करने दे जो कर रहे हैं। और तू अगर मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती करेगा तो उसे बढ़ावा मिलेगा और वो तभी मेरी बातें नहीं सुनता, समझा? तू उसकी सुनता है? काम पड़ रहा है कुछ फर्स्ट एड वगैरह। अरे रिलैक्स डैड, चीफ को दवा की नहीं दारू की जरूरत। अरे राम राम, राम से कोल्ड ठीक होता है। आई विल गेट फॉर यू। नहीं नो डैड, आपको सीरियसली कुछ लेना चाहिए। I think I'll go and check it. I'll come pick her up. रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है भाई? तुझसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है अभी। रम के बड़े फायदे पड़े तुम्हें। अरे छोड़ना यार। क्या? जाने दे ना। अरे मुझे जाना है। रिया। रुक, रन बीच। अरे यार, तू क्या कर रहा है यार? बेटा नहीं, अब बाप बन गया हो तो। Listen, please, I need your help. आप किसी डॉक्टर को फोन कर दीजिए, मेरे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो बारिश में भीग गए। पता नहीं पहले सिर्फ कोल्ड था और अब फीवर भी हो गया। प्लीज प्लीज मैम काम डाउन, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। प्लीज काम डाउन, प्लीज टेल हिम इट्स अर्जेंट, प्लीज। यस श्योर। कुछ हुआ क्या? डिड यू कॉल द डॉक्टर? शी इज कॉलिंग। रिलैक्स रिया, इट्स ओके। कोल्ड है, इस मौसम में अक्सर लोगों को हो जाता है। सिर्फ कोल्ड है? कोल्ड से फीवर भी है ना? फीवर। Listen, I'll get upset with you, फालतू में, and मुझे नहीं अच्छा लगेगा। Please, okay, okay, I get it. It's okay, calm down. Yeah, Rupali here from Sunrise Resort. Yes, sir, please, urgency, आप यहाँ आ जाइए। एक गेस्ट को कोल्ड हुआ है, I mean कोल्ड से फीवर हुआ है। या प्लीज अर्जेंट है, बहुत सीरियस है वो। जी आप आ जाइए प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। यस मैम, वो आ रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें थोड़ा लेट हो सकता है। Excuse me, sir. Yes. आपने उन्हें अभी तक प्रपोज नहीं किया? I know. कुछ आप ही टिप्स बता दीजिए कैसे करूं, रूपाली जी। मतलब मेरा अंदाजा सही था? कैसा अंदाजा आपका? मतलब आपके और उनके बीच में कुछ? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आपके फेस पे साफ दिखाई दे रहा है लवर बॉय, किस किस से छुपाएंगे? जब डॉक्टर आए तो मुझे बता दीजिए। श्योर सर, थैंक यू। सहाना तुम्हारा नाम है और तुम कह रही हो कि तुम मुझे सह रही हो? फनी। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, बता रही हूँ। बर्दाश्त कर रही हूँ, बता रही हूँ तेरे। Why are you fighting? अच्छा तू आ गया। इसको बोल दे I don't like her. मैं क्यों बोलूँ इसको? क्योंकि मुझे इससे बात नहीं करनी है। तुझे उससे बात नहीं करनी है, पर तुझे उससे झगड़ना है। देखा, कुछ सीखो इससे। अगर ये किसी से लड़ेगा बिना तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह से फूल झड़ रहे। शारा, थैंक यू। क्या थैंक यू? ये मुझे कब से अजीब और गरीब नामों से बुला रही है, कभी डोंकी कभी मंकी, और तू बैठ के तमाशा देख रहा है। ओह हेलो, मंकी नहीं, बंदर। बंदर ना तुम्हारी पर्सनालिटी पे बिल्कुल सूट करता है। सारा बकवास,
तू हंस रहा है। तू जी बकवास किए जा। हेलो, मैं ना किसी काम से आई थी, मैं तो भूल ही गई। तो खड़ी क्यों है, जाना। जा रही हो ना? यार ये मेरे को बंदर क्यों बोलती है? ज्यादा हंस मत, बंदर का भाई बंदर होता है। और भूल गया, इसकी बहन ने तुझे मच्छर बुलाया था। ता क्यों हो रहा है? इट्स ओके। ताने गुस्सा क्यों रहा है? अबे क्योंकि एक लड़की मुझे बंदर बुला रही है, तुम सह रहा है? तो गलती तेरी है, उससे प्यार से बात कर, उसे इंप्रेस कर, वो तुझे अच्छे नामों से बुलाएगी फिर। इट्स नॉट दैट सिंपल ब्रो। रिया को प्रपोज करना फिर भी आसान है, सहाना को इंप्रेस करना टॉर्चर। यू हैव नो आइडिया, तुझे पता नहीं है रिया को इंप्रेस करना कितना मुश्किल है। डैड? हाँ, क्या कहा उन्होंने? They call the doctor, but doctor को आते आते बहुत लेट हो जाएगा। अरे यार। डैड, आप ठीक तो हो ना? It's just fever. I'm fine. पिछली बार भी बारिश में भीगा था तो वैसे ही फीवर आ गया था। पहली बारिश थी इसलिए बीमार पड़ा, वरना क्या मैं घर पे कॉल करूँ? मतलब दादी घर पे होगी, वो हमें बता देंगी कि क्या करना। नहीं नहीं, घर पर कॉल मत करना, उसे परेशान हो जाएंगे। बट डैड वो बता देंगे। वेट अ मिनट, आई नो मुझे किसे कॉल करना है। आई थिंक वो डैड को ठीक कर सकती है। वेट, हेलो रिया। आई एम सॉरी, मैंने कैम से आपका नंबर आपसे बिना पूछे ले लिया। एंड आई नो आई एम अ ट्रबल फॉर यू, बट मैंने अभी भी फोन आपको ट्रबल देने के लिए किया। नहीं, तुम बोलो ना, क्या हुआ, क्यों घबराई हुई हो? मेरे डैड की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बारिश में भीग गए, तब से कोल्ड था, बट अब बहुत फीवर है, फीवर बढ़े जा रहा है। डॉक्टर को भी फोन किया बट डॉक्टर बहुत लेट है। तुम शांत हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ, मैं आ रही हूँ, ठीक है? प्लीज आप आ जाइए। घबराओ मत, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। कौन सा रूम नंबर है तुम्हारा? इट्स 1203। ठीक है, मैं आ रही हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। प्राची की माँ वो यहाँ आ रही है, I think that को वेट ही कर सकती है। Are you sure? I mean, you trust her completely like Meera? Yes, I do trust her like Meera. आपको पता है जब वो होती है ना, ऐसा लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I just wish मेरी माँ होती, मतलब she has this motherly figure, not that I am missing my mother. It's not like that. Oh, please, आप किसी से बात मत कहना। उनको लगेगा कि मैं अपनी मॉम को याद कर रही हूँ। But I hate her. आपको पता है जब उन्हें मेरे साथ होना चाहिए तो वो मुझे छोड़ के चली गई। So it's not about her. It's just Prachi की मॉम. She's the best. She. जरा सा भीग क्या गए? सर्दी जुकाम हो गया? इतने नाजुक हैं तो बारिश में गए क्यों? ओके, यस मैम। यहाँ रिसोर्ट पे कोई डॉक्टर होगा? नो मैम, यहाँ बड़ा रिसोर्ट है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर ऑन कॉल अवेलेबल हैं। मिस्टर मेहरा के लिए हमने डॉक्टर बुला भी लिया है। वेदर खराब होने के कारण वो लेट हो रहे हैं, बट यू डोंट वरी, वो जल्दी आ जाएंगे। ओके, आप 1204 में कुछ आइस क्यूब्स भेज दें। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू। डोंट वरी रिया, ठीक हो जाएगा, अभी कुछ नहीं होगा। बेचारी रिया कितना घबरा गई है, अकेली भी तो है। मैं काम करता हूँ, मैं रिसेप्शन जाके पूछता हूँ डॉक्टर कब आएंगे। पर जब डॉक्टर आएंगे वो लोग भेज देंगे ना। हाँ वो तो है, लेकिन आपके सर पे खड़ा रहूंगा तो फोन लगाते रहेंगे ना डॉक्टर को। हाँ, आई जस्ट कम, यू टेक केयर ऑफ हिम। मेरा फोन, रिया देखिए डॉट का फीवर ही नहीं उतर रहा। टेंशन मत, तो मैं आ गई ना। तुम्हारे पास हैंडकरचीफ या कोई रुमाल, नैपकिन? मैं लेके आती हूँ।